बिहार के सिवान जिले के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जमानत रद्द करने की बात कही और अदालत के फैसले के मुताबिक शहाबुद्दीन को दोबारा जेल भेजा जा सकता है। इससे पहले चल रही सुप्रीम कोर्ट की दलीलों के बीच शहाबुद्दीन ने अदालत से अपील की कि उन्हें जेल ना भेजा जाए। शहाबुद्दीन ने कहा कि अगर अदालत आदेश दे तो मैं बिहार या फिर सिवान के बाहर कहीं भी रहने के लिए तैयार हूँ। यह दलीलें जमानत रद्द करने की याचिका में दी गई। शहाबुद्दीन के वकील की तरफ से दी गई दलीलों में अदालत ने कहा कि हमें बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तथ्यों के आधार पर सुनवाई करते हैं, आप अपना पक्ष रखें। शहाबुद्दीन के वकील ने आरोप लगाते हुए कहा कि शहाबुद्दीन को अभी तक राजीव हत्या मामले की चार्जशीट की कॉपी नहीं दी गई। राज्य सरकार का मकसद यही था कि शहाबुद्दीन को कारागाह में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा है और कल अपने फैसले के जरिए साफ करेंगे कि शहाबुद्दीन को दोबारा जेल भेजा जाना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अनुराग गुप्ता की रिपोर्ट।